मिशन 2022 को और धार देने के लिए बीजेपी चुनावी रणनीति पर मंथन कर रही है और इसी सिलसिले में गोरखपुर क्षेत्र के 62 विधानसभा क्षेत्रों के जिलाध्यक्ष और विस्तारकों के साथ चुनावी रणनीति पर मंथन किया गया, जिसमें प्रदेश उपाध्यक्ष विजय बहादुर पाठक ने कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी सौंपी है और उन्हें अपने क्षेत्र में अलग अलग कार्यक्रम करने के निर्देश भी दिए हैं। भारतीय जनता पार्टी पूरे संगठन ने तय किया कि सरकार की उपलब्धियों का पत्रक हम गांव-गांव बूथ-बूथ बांटेंगे, वो बांटने का काम हो रहा है। अभी हमने दीनदयाल उपाध्याय जी की जन्म जयंती मनाई, पन्ना प्रमुख बनाए, तो ये जो सब काम हैं इन कामों की समीक्षा और आगे वाले जो कार्यक्रम है, हमने 2 अक्टूबर को स्वच्छता का बड़ा कार्यक्रम ले रखा है तो इसको लेकर के और आगे जो संगठन के कार्यक्रम हैं उन कार्यक्रमों की रचना को लेकर चर्चा करें। देखिए, सबको अधिकार है अपने दल का विस्तार करने का, लेकिन वो सीजनल पॉलिटिक्स कर रही हैं। तो राजनीति में तो जो हमेशा जनता के बीच में रहेगा, जनता उसे ही तवज्जो देगी। प्रतापगढ़ में बीजेपी सांसद संगम लाल गुप्ता की पिटाई मामले में कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी और उनकी बेटी मोना मिश्रा ने लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रमोद तिवारी ने दावा किया है कि बीजेपी सांसद की पिटाई नहीं हुई है। वायरल वीडियो में जिस शख्स को पीटते हुए दिखाया गया है वो संगम लाल गुप्ता नहीं है बल्कि उनका एक सहयोगी है जो मुझे मारा और मेरी बेटी को गाली दे रहा था। अपने खिलाफ दर्ज मुकदमों को लेकर प्रमोद तिवारी ने बताया है कि उनके ऊपर फर्जी मुकदमे कराए गए हैं। मेरी चुनौती है वीडियो में एक क्षण भी दिखा दें वो, जहां हाल के बाहर में उनके मेरी उपस्थित, फिर वो अपने को अमेंड करते हैं कि नहीं उन्होंने नहीं मारा, उनके समर्थकों ने मारा। मैं उनसे कहना चाह रहा हूँ कि जब मैं वहां है ही नहीं हूँ और मेरा कोई समर्थक भी नहीं है तो कैसे मार खा गए। मैं उनसे चुनौती देता हूँ मार खाए हों दिखा दें। मैं तो वीडियो दिखा रहा हूँ, कार तक जब तक गए हैं उनको सुरक्षित है और कोई उनको छू भी नहीं रहा। उन्नाव में समाजवादी पार्टी अध्यक्ष नरेश उत्तम ने जनसभा को संबोधित किया है। इस मौके पर नरेश उत्तम ने बीजेपी सरकार पर जमकर प्रहार भी किया है। नरेश उत्तम ने बताया कि यात्रा का मकसद बीजेपी की पोल खोलना है। समाजवादी पार्टी ने महंगाई के मुद्दे पर भी सरकार को घेरा है। बीजेपी राज में महंगाई आसमान तक पहुंच गई है जिससे आम आदमी परेशान है। पार्टी अध्यक्ष ने बताया कि समाजवादी पार्टी 351 सीटों का टारगेट लेकर चल रही है।